एसपी ने और डीसी ने इनको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है और उन्होंने जो बात कही है वो ये कहा है कि वो दो दिन तीन दिन का टाइम मांग रहे हैं। इन्होंने ये बात कही है कि एमएलए से बात हुई थी, एमएलए दो दिन तीन दिन का टाइम मांग रहा है, ये बात इनके नीचे आई है। लेकिन हमने जो फैसला किया है, अब वो फैसला आपको और सुना देते हैं। हमने जो फैसला किया है साहब आप भी सुन लीजिए, और जो हमारा फैसला होता है वो अटल होता है, उसमें ढील नहीं कोई भी आएगी, बता देता हूँ। प्रशासन उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज कर दे, और 57 में नहीं, उसने जनता को गालियां दी है, उसने भड़काया है, उसको पब्लिक को भड़काने का मुकदमा दर्ज कर दे, उसने हमारे एक भाई के गुप्तांग को चोट मारी है, मर सकता था, 307 का मुकदमा दर्ज कर दे। उन्होंने उसके बाद वीडियो डाली है और वीडियो में किसानों को ये कहा है कि ये उग्रवादी है, ये पंजाब जैसा हाल करना चाहते हैं, भेड़िए भेड़िए है, उसमें जो भी धारा बनती हो उसमें मुकदमा दर्ज कर दे। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो हमने सात तारीख को डेढ़ घंटे के लिए हमने हरियाणा के सभी थानों का घेराव करना है। 7 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक, अगर 7 तारीख तक टोहाना की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है 307 का पब्लिक को भड़काने का, तो 7 तारीख को 11 से 1 बजे तक पूरे हरियाणा के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो 10 और 11 तारीख को इस एमएलए की टोहाना के सभी गांवों में सब यात्रा निकाली जाएगी। और उसका उस शव यात्रा का संस्कार उसी के गांव में किया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर यहाँ की जो खाप पंचायतें हैं उनको कहा गया है कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दें। एक उसकी डेट बाद में रखेंगे, लेकिन ये 2 तरीके हमने तय कर दी हैं। 7 तारीख को पूरे हरियाणा के थानों का घेराव 2 घंटे के लिए, और उसके रोड जाम का इसलिए नहीं किया, बहुत से लोगों की राय यह आई कि जनता का कसूर नहीं, जनता परेशान होती है करती है। बिल्कुल हाँ, नहीं 200 से भी ज्यादा उसकी शव यात्रा में इलाके के सारे लोग आएंगे, और भाई बाहर से आएंगे, मेरे को टाइम लगा मैं भी आऊंगा। हाँ, जिस जिसके पास गाड़ी है काले झंडे लगा के सारे उसकी शव यात्रा में शामिल होंगे, और उसके शव को उसके पुतले को खुली जीप में रखा जाएगा और कुत्तों की माला साथ में डाली जाएगी।